ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं और आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है। वाओ, इन्हीं प्यारी मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर, यू गाइस लव दिस टॉपिक अ लॉट और आई एम सो ग्लैड आप लोगों से रीडिंग इतना रेजोनेट होती है। आप लोग इस टॉपिक के लिए इतनी बार बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ द नियर फ्यूचर रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपका निकट भविष्य कैसा होने वाला है, आइए आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और पाइल का सिलेक्शन करने से पहले मैं बता दूँ, आज की पाइल सिलेक्शन बेहद सरल है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। जस्ट आपने क्या करना है, अपने नाम के पहले अक्षर को पिक करना है। चाहे आपका नाम शुरू होता है क्यू से, एम से, यू से, आर से, एन से, जी से, एफ से, बी से, किसी से भी, जस्ट आपने पिक करना है अपने नाम का पहला अक्षर, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आप सभी लोगों का भर भर के स्वागत है आज की इस खूबसूरत रीडिंग के अंदर। दिस इज अ जनरल रीडिंग और आज मैं टैरो के माध्यम से आप लोगों का नियर फ्यूचर प्रिडिक्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट्स, एंजल्स एंड ऑल द यूनिवर्सल मास्टर्स कि आपका आने वाला भविष्य कैसा है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आई ऑलवेज यूज टू डू अ ब्यूटिफुल ग्रैटिट्यूड रीडिंग, जहाँ पर मैं कुछ लोगों की फ्री रीडिंग्स लिया कर रही थी अभी दो दिन पहले तक। बट अभी कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद से मैंने फिर ऐसा करना बंद किया है कुछ समय के लिए। क्या हुआ वो मैं नहीं बताऊंगी, बट येस समथिंग हैपेंड इन द कमेंट सेक्शन जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि अभी इस चीज़ से ब्रेक लेना चाहिए। तो दोबारा से शुरू करूंगी कुछ समय के बाद इन चीज़ों को। दोबारा से हम लोग जो है आपकी फ्री रीडिंग्स लेना स्टार्ट करेंगे। तब तक जिन लोगों के नाम शॉर्टलिस्टेड थे उन लोगों के नाम के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपका नाम उनमें कहीं है तो आई एम रियली वेरी पॉजिटिव और मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करती हूँ। नहीं है तो मैं ये बोलूँगी कि अभी दो तीन दिन बाद दोबारा से जब मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगी तो आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को, आज के टॉपिक को, आज की प्यारी सी टैरो रीडिंग को। और पाइल नंबर वन में हमारे पास कुछ नाम है, आप लोग देख सकते हैं। नाम के पहले अक्षर ए सी डी ई आई के एल एम क्यू एस टी यू और वाई। और पाइल नंबर टू में भी है हमारे पास इसी तरीके से। पाइल नंबर टू में है हमारे पास बी एफ जी एच जे एन ओ पी आर वी डब्ल्यू एक्स एन जेड, ठीक है। अब आप लोगों के सामने है और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षर हैं, द कैपिटल लेटर्स, बोल्ड कैपिटल लेटर्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जल्दी से पिक कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर वन, यानी पाइल नंबर वन से शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को, ठीक है। तो आज मैंने सोचा है टू नॉट कट दिस वीडियो और तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर वन। तो अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ए सी डी ई आई के एल एम क्यू एस टी यू वाई से शुरू होता है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इस रीडिंग को आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ नियर फ्यूचर पे, बट मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स यू सम हाउ मैनिफेस्टेड टुडेज रीडिंग, ठीक है। पाइल नंबर वन को मैंने वहाँ अच्छे से रख दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके ये आपकी रीडिंग है और शुरू करें आप। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले देखना चाहती हूँ आपकी करंट भावनाएं, आपकी करंट फीलिंग्स जो चल रही हैं, आपकी जो अभी प्रेजेंट एनर्जी चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर लेती हूँ, हर रीडिंग में आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती होगी, ऐसा मैं इसलिए कर लेती हूँ ताकि किसी का भी समय बर्बाद ना हो। टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल थिंग,
समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है और मैं नहीं चाहती कि अगर किसी की रीडिंग नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो, आप पूरा वीडियो देखें और फिर आपको पता लगे कि उफ़ ये रीडिंग तो मेरी थी नहीं। आई डोंट वॉन्ट दिस थिंग टू बी हैपन, इसीलिए आइए देखते हैं। हे स्पिरिट्स, जिनके भी नाम के पहले अक्षर हैं ACDEIKLMQSTUY, अभी हाल फिलहाल उनकी एनर्जीज बता दीजिए या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए या सिचुएशन बता दीजिए, कुछ भी ऐसा बता दीजिए जिससे मेरे व्यूवर्स को ये पता लगे कि ये रीडिंग उनकी ही है, मेरे व्यूवर्स को पता लगे कि आज जो वो ये जनरल रीडिंग देख रहे हैं ये उनकी ही है। हे स्पिरिट्स गाइडर्स, दो कार्ड्स निकले, मैं निकालना एक चाह रही थी बट दो निकल गए हैं। हे भगवान, मतलब स्पिरिट्स ना खेल खेलती हैं। मेरे, मैं सच्ची बता रही हूँ, आई एम हैविंग कार्ड्स इन माय हैंड्स, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे मन में एक चीज़ थी बहुत ही स्ट्रांग, अभी हाल फिलहाल जब मैं बात कर रही थी ना स्पिरिट से, शफल कर रही थी, कि जिन्होंने भी पाइल नंबर वन को पिक किया ना, यू गाइज आर इन अ वेटिंग ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ का तो ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ फोर ऑफ सोर्ड्स, और फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वेटिंग का कार्ड होता है, तो किसी चीज़ को लेकर के ना भाई आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। अब देखो, हर किसी के अपने मसले हैं, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की अपनी लाइफ, अपने स्ट्रगल, रूल्स, सॉल्यूशंस एंड लेसन्स हैं, तो इट डिपेंड्स। किसी के जीवन में हो सकता है ये वेटिंग चल रही है करियर से रिलेटेड, किसी के जीवन में ये वेटिंग चल रही है लव से रिलेटेड, तो कोई अपनी फैमिली को लेके, तो कोई अपॉर्चुनिटी अवसर को लेके, कोई बेबी को लेके, तो कोई प्यार या किसी भी इमोशनल चीज़ को लेकर के हो सकता है वेट कर रहा हो। बट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है फोर ऑफ सोर्ड्स की, आप किसी प्रकार का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये जो तलवारें हैं ना, ये ऐसे नहीं रखी हुई हैं, ऐसे नहीं है, ऊपर से नीचे है, है ना। इसका मतलब ये है कि आपका जो वो इंतज़ार है ना, वो सम हाउ पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब आपका जो इंतज़ार है वो किसी जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा धुंधला पड़ रहा है, थोड़ा सा ऐसा पड़ रहा है कि हाँ हो भी जाए तो ठीक है, नहीं भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस प्रकार की अवस्था में अभी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि ये तलवारें ऊपर से नीचे आ रही हैं, ऊपर से नीचे, इसका मतलब हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया है आपको इस चीज़ का इंतज़ार करते हुए, और टाइम तो वैसे भी हर चीज़ का मरहम है ना, सोल्यूशन है। सो समहाउ आप अब इस चीज़ से अक चुके हैं, पक चुके हैं, और अगर आपको पीछे से सोने की आवाज़ आए ना खराटों की, आई थिंक आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, तो भाई लियो सो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो नहीं रहता मेरे बिना, तो मैं उसको कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती, तो उसकी आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए, उसकी क्यूटनेस के लिए टॉलरेट कर लेना। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द इमोशंस, फैमिली ड्रामा, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, मतलब मुझे ये जो कप्स की ऊर्जा है आई है ना यहाँ पर, ये मुझे 10 अवसर नज़र आ रहे हैं या 10 नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आपके दिमाग में ना अभी ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी जगह पर जाओगे, जिस भी तरीके से आप जाओगे, वो कहीं ना कहीं पता नहीं सही है गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता, बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। एंड टावर का कार्ड, मैं इस कार्ड को लेना नहीं चाहती थी लेकिन ये छलक छलक के जा रहा था तो मुझे लेना पड़ा। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है देखिए, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ तो है जो आप मिल बांट के करना चाहते हो, कुछ तो है जो आप ऐसे करना चाहते हो जैसा कभी किसी ने नहीं सोचा,
या तो आपके खानदान में, आपकी पूरी फैमिली में आप कुछ ऐसा या तो करके दिखाना चाहते हो जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे कि लोगों के मुंह बंद हो जाए, ताले लग जाए लोगों के मुंह पे। टावर का कार्ड है, यू गाइज आर इन अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपके नहीं ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं पाइल नंबर वन पीपल कि अब आप बदल गए हैं। अगर आप अपना कंपैरिजन करेंगे ना पास्ट से अभी प्रेजेंट में, तो आप देख पाएंगे एक विजिबल डिफरेंस देख पाएंगे कि पास्ट में आप कैसे हुआ करते थे, अभी प्रेजेंट में आप कैसे हो गए हैं। सो अ विजिबल डिफरेंस यू कैन सी, ठीक है। तो मुझे ना भर भर के ये ऊर्जा आ रही है कि पाइल नंबर वन को जिन्होंने भी पिक किया है प्रेजेंटली, वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम हो गई है। दूसरी चीज़, वो अवसरों को ढूंढ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने जीवन को तब्दील कर रहे हैं, खुद भी तब्दील हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगत लगा के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही कि आप लोग ना मतलब वो कहावत नहीं है कि कल्लू से कालिया बन गया सो सॉरी लेकिन ऐसी ही चीज़ें मुझे फील हो रही है कि मतलब पहले आप बड़े इनोसेंट, किसी से कुछ नहीं कहना, ये वो ऐसी वाली एनर्जी में थे। अब आप ऐसी एनर्जी में है कि बोल के तो बताए, अगर मेरी गलती नहीं है ना मुँह तोड़ देना मैंने उसका, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी, अब आप लोगों को ये तो अच्छे से पता लग गया होगा पाइल नंबर वन पीपल कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं, क्योंकि देखिए टॉपिक बार बार रिपीट होते रहते हैं बट एनर्जीज रिपीट नहीं होती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जनरल रीडिंग है, वीडियो रीडिंग है ना, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो किसी से कुछ रेजोनेट होता है, किसी से कुछ होता है, तो आपने बस अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करना है। इसीलिए मैं हमेशा आपकी सिचुएशंस और करंट एनर्जीज बताती हूँ। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि ये रीडिंग आप ही की है आज की या नहीं है, कि ये वीडियो आप ही से बिलोंग कर रही है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आप ही की है तो भैया चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। Hey spirits, thank you for guiding us. Hey spirits, bataye. Pile number 1, ACDEIKLMQSTUY. What is coming for them in a near future? Unka nikat bhavishya. Success, card number 6. By the way, abhi 6-6 portal bhi gaya hi hai. द क्रिएटिविटी, ऑल दो दिस रीडिंग इज टाइमलेस, बट जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तब अभी थोड़े समय पहले ही 6-6 पोर्टल गया है। क्रिएटिविटी, नेक्स्ट कार्ड वी हैव अगेन थंडरबोल्ट यानी टावर। एंड द इंटेंसिटी, एक कार्ड और देख लेते हैं यार, मेरा बड़ा मन कर रहा है अंदर से। द क्रिएटर, बॉटम ऑफ द डेक है द गाइडेंस, प्योर परफेक्ट गाइडेंस। वो अपन बोलते ना भैया घी तो पेवर है ये वही पेवर एनर्जी मुझे फील हो रही है। गांव में बोल देते प्योर को पेवर बोल देते हैं, तो बस वो पेवर वाली बात है। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर वन, आप में से बहुत सारे लोग अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही कोई गांव का वर्ड नहीं आ गया मेरे मुंह पे। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विद देयर रूट्स। हो सकता है वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हो सकता है वो बड़े लोगों में बैठते हैं, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, जो उनके घर में कस्टम्स फॉलो होते हैं, अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो भी, और अगर वो ऐसी एनर्जी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत देसी है सब कुछ, तो वो अपनी रूट से कहीं ना कहीं हटे नहीं हैं, कटे नहीं हैं, वो अभी भी अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस का कार्ड, और अब हम शुरू करते हैं रीडिंग, क्योंकि फिर हम थोड़े से कार्ड और निकालेंगे। ओके, तो व्हाट इज कमिंग इन योर नियर फ्यूचर, आपका निकट भविष्य कैसा है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप ओवर थिंकिंग क्यों करते रहते हो।
आपके ओवरथिंकिंग करने से क्या कोई भी अगर मसला चल रहा है, कोई भी परेशानी चल रही है, वो ठीक हो जाएगी क्या? अगर आप ऐसा सोचते हो कि ठीक हो जाएगी तो भाई मुझे भी बता दो, मैं भी ओवरथिंकिंग कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे क्या कार्ड है, एस ऑफ सोच का। भाई इतना ओवरथिंकिंग बहुत गलत है। कोई चीज़ है दिमाग में टिक 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 कर रही है, हाँ भाई बिल्कुल कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। पाइल नंबर वन पीपल, हो सकता है आप लोग बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। आप देख सकते हो उसके दिमाग में कैसी सिड्डियाँ बन रही हैं, ठीक है? तो ये आप में से बहुत सारे लोगों की हरकतें हैं, इस चीज़ को थोड़ा ख़त्म करें। ओके, निकट भविष्य कैसा है? सबसे पहली चीज़ मैं आपको टैरो से बताऊंगी, ओरेकल्स हम थोड़ी देर बाद छेड़ेंगे, पहले हम टैरो चेक करते हैं। अभी इस वक्त ना पाइल नंबर वन पीपल, आप लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करता है। यू आर ऑल्सो यू नो वर्किंग और यू आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। मैजिशियन का कार्ड है, आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। तो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी गाइडेंस है यहाँ पर कि वही सोचे जो आप चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मैं सच्ची बता रही हूँ, वैसा हो जाएगा फिर पछताते डोलोगे और फिर मेरी बात याद आएगी दैट यू आर एक्टिंग, यू आर बिहेविंग एंड योर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर ट्रेट्स आर एग्जैक्टली लाइक अ ट्रांसफॉर्मर नाउ डेज एंड यू डोंट नीड टू थिंक और यू डोंट नीड टू यू नो फील जो आप नहीं चाहते हो आपके जीवन में आए, ठीक है? तो भैया वो मत सोचो, वो मत महसूस करो। यहाँ पर मैं फिर बोलने वाली थी ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। नाउ व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर आई एम सीइंग, यहाँ पर आप देख सकते हो एक लड़की जिसको बहुत उम्मीद है परमात्मा से, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि मैं क्या बताऊँ। तो आप एक इंसान को इतनी उम्मीदें तभी होती है परमात्मा से जब उसने खुद अपनी आँखों से चमत्कार को देखा हो। तो या तो कोई चमत्कार आपके जीवन में अभी बहुत क्विक होने वाला है, उस चमत्कार को देख करके आपका भगवान के ऊपर जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो और दुगना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपको किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही बहुत कुछ अपने आप हैंडल कर सकते हो विद द कार्ड ऑफ स्टार एंड सीन। पर्पल कलर है यहाँ पर, ऑरेंज है, पिंक है, येलो है, ब्लैक भी है, लेकिन ब्लैक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वो अब न के बराबर होने वाली हैं और आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है। हम बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, बस बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो कोई ऐसा चमत्कार बहुत जल्दी आपके जीवन में होने वाला है जिससे आप परमात्मा को नमस्कार करेंगे और आपकी जो भी ओवरथिंकिंग चल रही है, जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही है, उनसे आपको खात्मा हो जाएगा, उनका ख़त्म हो जाएंगी वो चीज़ें। आई एम सीइंग काफ़ी टाइम से ना आप एक बहुत ही बोल्ड बिहेवियर के अंदर हैं, चाहे आप एक लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, काफ़ी टाइम से आप एक बोल्ड अंदाज में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा पथेटिक। अब आपका जो अंतर्मन का बिहेवियर है, जो आप करना चाहते हैं, फाइनली आप वो कर पाएंगे। इफ़ यू गाइज लव क्रिएटिविटी लाइक स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या कुछ भी ऐसा सिंगिंग और डांसिंग और पोइट्री और समथिंग लाइक क्रिएटिव, एक कला प्रेमी अगर आप हैं पाइल नंबर वन पीपल, आप उसको करने वाले हैं, आप उससे पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है? आपके सामने ना कुछ ऐसी राह खुलने वाली है जिससे आप अपनी हॉबीज़ को अपना वेपन बना सकें, ठीक है? अपनी आपकी जो भी रुचि है ना, आप उसको अपना हथियार बना के लोगों के सामने पेश कर सके एंड पीपल विल लव इट। लोगों को बड़ा पसंद आने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, ऐसा आप करेंगे आपकी हिम्मत ना आपको इतना 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 ग्रैटिट्यूड देगी, आप शक्तिशाली महसूस करेंगे अपने आप को, आप बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। और जब आप अपने आप को इतना ताकतवर महसूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने आप को फील करेंगे दैट यू क्रिएट योर लाइफ विद योर नॉलेज एंड यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो सम हाउ द वेरी फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जिससे आप परमात्मा को नमस्कार करना शुरू कर देंगे, आपका भगवान जी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द मेडिटेशन और ये जितनी भी यू नो सुपर नेचुरल पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनकी तरफ आपका जो रुझान है वो और बढ़ने वाला है अभी, ठीक है?
बिकॉज अ मैजिक और इज अ मिरेकल इज कमिंग इन योर लाइफ. सेकेंड थिंग जो आपके नियर फ्यूचर में होने वाली है वो है कि आप अपनी किसी हॉबी अपनी किसी चॉइस के काम को करने वाले हैं एंड उस काम को करते हुए आपको इतना अच्छा महसूस होगा, इतना पॉजिटिव फील करेंगे आप कि आपको लोगों को बहुत पसंद आएगी वो चीज़ एंड यू विल फील लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन. देखो हर इंसान को ना कुछ पसंद होता है. किसी को घूमना पसंद है, किसी को जॉब पसंद है, किसी को लीडरशिप की क्वालिटीज़ पसंद है, किसी को क्या पसंद है, खाना पीना बजाना है ना, नहाना बोल रही हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी. हाँ वैसे कई लोगों को नहाना भी पसंद है बट नॉट एग्जैक्टली नहाना नहीं, जैसे गाना हो गया, ठीक है, डांस करना हो गया, लाइक एवरी कला वाला काम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है और ये क्रिएटिविटी मुझे कोई ऐसी छोटी मोटी क्रिएटिविटी नहीं दिखा रही है, ये मुझे दिखा रहा है कुछ बहुत बड़ा. तो यू गाइज आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, आप एकदम मतलब धांसू तरीके से एंट्री करेंगे और लोगों को ना मतलब खुश कर देंगे. अच्छा एक चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भैया आपसे बड़े जलते हैं, थंडरबोल्ट का कांड है, बहुत जलते हैं. आप ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचे मारने वाले हो, लिटरली बोल रही हूँ क्योंकि इंटेंसिटी का कांड है. अब क्या होता है ना कि एक कहावत के तहत अगर कोई जलता है तो उसे और जलाओ, लेकिन भैया अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लेना, पहले ब्लैक कलर मत पहनना थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट पहनना, एटलीस्ट आप मंडे वेंसडे और फ्राइडे वाइट ही पहने. सो नियर फ्यूचर इज़ गिविंग यू अ क्रिएटिव शॉट, सीरियसली एक क्रिएटिव शॉट आपको देने वाला है. आपकी जो हॉबीज़ हैं वो आपके लाइफ के अंदर चार चांद लगाने वाली है. आपके पास में एक मनी क्रिएट करने का कोई सहारा आने वाला है जिसको यूज़ करके, कुछ क्रिएटिव आइडिया को यूज़ करके आप जो है अपनी लाइफ को एक बेटरमेंट की तरफ लेकर जाने वाले हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोग आपको गलत समझते हैं या आपको ऐसा समझते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के मुँह पर मस्त तमाचे मारने वाले हैं, मज़े आ जाएंगे मुझे तो. अगेन स्टार का कार्ड, तो मिरेकल इज अबाउट टू हैपन, कभी भी हो सकता है. कमिंग 26 to 28 डेज की एनर्जी है यहाँ पर आपका नियर फ्यूचर, ठीक है, 26 to 28 डेज की एनर्जी एंड फुल ऑन स्टार की एनर्जी है. तो मैं फिर बोलूँगी क्या मिरेकल और भर भर के होप्स आर कमिंग फॉर यू. नाउ व्हाट इज द एडवाइसेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अर्थ. भाई थोड़ा सा ना खेती बाड़ी कर लिया करो, आप लोगों के लिए एडवाइस है, ग्राउंडेड हो जाओगे. जितना मिट्टी के संपर्क में रहोगे उतना मूलाधार एक्टिवेट रहेगा, पॉजिटिवली बैलेंस रहेगा. अब जिन लोगों को नहीं पता है मूलाधार क्या है उनको मैं बता दूँ, हमारे शरीर में चक्र है, उसमें से सबसे सारे चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बेसिक ह्यूमन नीड के लिए सबसे पहले बोला जाता है मूलाधार को, क्योंकि वो मूल आधार यानी कि वो रूट चक्र है. अगर वो डिस्ट्रॉय या इम्बैलेंस है तो लाइफ की धज्जियाँ लग जाती हैं, धज्जियाँ उड़ जाती हैं. तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है कि थोड़ा सा ना मिट्टी के साथ संपर्क करें, मिट्टी के साथ थोड़ा सा यू नो रहें, मिट्टी के साथ थोड़ा खेलना शुरू करें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके नियर फ्यूचर के लिए, आइए देखें. लेट गो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार तंग करती है और आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक काम करना शुरू करो. लेट गो का मतलब भूल जाना नहीं होता, देर आर लॉट्स ऑफ मिथ अबाउट दिस कि लेट गो का मतलब है भूल जाओ. ना, अरे यार किसी चीज़ को आप कैसे भूल सकते हो, कोई स्विच बटन थोड़ी है, वी ऑल आर ह्यूमंस. उस चीज़ को सिंपली परमात्मा पे छोड़ना शुरू करो. जब भी आपको किसी भी चीज़ से डर लगे ना तो आप भगवान से ये कहना शुरू करो कि देखो मेरे को डर लग रहा है, आप संभाल लो इसको. और मन में ना बार बार दिमाग है ना बहुत बुद्धू है, उसको बार बार ये चीज़ कहना शुरू कर दो कि देख भाई ये जो परेशानी है ना इसको मैंने भगवान जी को दे दिया, अब वो अपने आप संभाले, वो संभाले या उनके कारोबारी संभाले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर लाइफ. स्पेशली सरेंडर करोगे काम जल्दी होंगे, सरेंडर करोगे ओवरथिंकिंग नहीं होगी, सरेंडर करोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग खुश रहोगे. सो माई ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 1, गाइस योर नियर फ्यूचर लुक्स लाइक अ मिरेकुलस चेंज, एक चमत्कार होने वाला है जिसका आप नमस्कार करने वाले हो. तैयार हो जाओ. सो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जैसे ही 26 से 28 दिन हो और ऐसा ऐसा आपके साथ हो तो दोबारा से आकर के वीडियो के ऊपर
कमेंट करना ना भूलें कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था. इट विल गिव अ ब्यूटिफुल यू नो फीडबैक टू ऑल द पीपल हु डोंट हैव ट्रस्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स द रेमेडीज एक्सेट्रा. ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, है ना. जब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखना, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं. मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है. ओके जी, तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए अपने आप से प्यार करिएगा. लव यू, बहुत सारा वाला प्यार. ओके, so let me pick these cards. This was the reading for pile number 1. अब जो भी इस रीडिंग को अभी भी देख रहा है तो मैं उसे बता दूँ. पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं था इस वीडियो को बीच में कट करने का, तो मैं कहा चलो कंटिन्यू चलने देते हैं, थोड़ा सा एनर्जी क्लीन करेंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे विद पाइल नंबर 2. गाइड कीजिएगा. Let me shuffle the cards. Okay, so let's get started with the pile number 2. Hi to all my beautiful pile number 2 people. अगर आप लोगों ने pile number 2 को pick किया है तो ये है आप लोगों की reading. आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई आप लोगों के लिए क्या निकल के बाहर आता है, right? So आपका near future, आपका निकट भविष्य कैसा है? आप लोगों ने pick किया है pile number 2 को, इसका मतलब आप लोगों के नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं BF, GH, JN, OP, RV, WX and Z, right? चलिए स्टार्ट करते हैं. So today's reading is all about what? Your near future. Keshwar, guide kare. Guide kare for my pile number. Two people. Okay, I'm all set. तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 पीपल. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम हमेशा की तरह यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऐसे कार्ड्स पिक करेंगे जिससे आपको ये समझ आ जाए, आपको पता लग जाए दैट दिस रीडिंग एक्चुअली बिलोंग्स टू यू. ये आप ही रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और की रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों का समय सबसे ज़्यादा कीमती है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हैं और वो रीडिंग आप ही की नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ना, तो कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें किसी से होंगी,
तो अभी मैं आपको जो कार्ड्स निकाल के बताने वाली हूँ, ये आपका कोई कैरेक्टर हो सकता है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई ट्रेट्स हो सकते हैं, अभी पर्सनल लाइफ का एनर्जेटिक अलाइनमेंट हो सकता है, कोई सफरिंग हो सकती है, कुल मिला के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपको ये समझाने की कोशिश करें या आपको ये समझा पाएं कि भाई ये रीडिंग आप ही की है या किसी और की, ठीक है। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, हे स्पिरिट्स गाइड करें विद द फुलेस्ट एनर्जी टू माय ब्यूटिफुल हे स्पिरिट्स। कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरे पाइल नंबर 2 वालों को ये पता लग सके कि ये रीडिंग उन्हीं की है, उनकी कोई एनर्जी, उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रेट, एनीथिंग। जस्टिस, सबसे पहले यहाँ पर द लीब्रा एनर्जीज, पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप अपने जीवन में किसी चीज़ के अंदर बहुत एकदम शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, एंड यू गाइज वॉन्ट अ ट्रू जस्टिस इन योर लाइफ। आप एक सच्चाई चाहते हैं, आप एक न्याय चाहते हैं, आप एक सद्भावना चाहते हैं, आप एक ग्लोरी चाहते हैं अपनी लाइफ में। यू वॉन्ट समथिंग टू बी हैपन इन योर लाइफ जिससे कि आपकी आपका जो जीवन है वो सही हो सके, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे ऐसा महसूस करा रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो किसी प्रकार के किसी मसले में ऐसे फंसे हुए हैं, जहाँ पर ऑफिशियल पेपर वर्क या फिर किसी तरीके का कोई लॉ का मसला, या फिर आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ें बेचने या फिर कुछ चीज़ें खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के नियम कायदे कानून कुछ चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, एंड आप अपने आप को उन चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं ढूंढने में लगे हुए हैं, या फिर आप किसी प्रकार के न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, पास्ट में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बहुत ख़राब रहा, और अब आप ये चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का न्याय मिले परमात्मा की तरफ से, है ना। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जब भी स्वॉर्ड्स आती है ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली क्लिक होती है, और वो है डिसेप्शन, ठीक है। डिसेप्शन यानी कि धोखाधड़ी। अब यहाँ पर जस्टिस के साथ में सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा चाहते हैं, पास में आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है, पाइल नंबर 2 पीपल, जहाँ पर हो सकता है आपकी गलती नहीं रही, है ना, जहाँ पर आप नहीं करना चाहते थे कुछ भी, आपसे गलती से कुछ हो गया और लोगों को लग गया कि सब कुछ आप ही ने किया है, ठीक है, या फिर आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया और अब आप परमात्मा से न्याय चाहते हैं, या फिर सिक्स ऑफ सोच का कार्ड है। अब ये जितने भी जो तलवारें हैं ना, आप देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, है ना, इसका मतलब हो सकता है कि समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको इतना ज़्यादा आपके लिए मायने भी नहीं रखते हैं, अब आपको ऐसा लगने लगा है कि हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया, भाड़ में जाए, ऐसी गराए अपनी, ठीक है, ऐसा लगने लगा है आपको। और एक चीज़ और, सिक्स ऑफ सोच का कार्ड है, आप अपनी ना सेम उबाऊ जिंदगी से थक चुके हैं, पक गए हैं, लिटरली पक गए हैं, सेम चीज़ से ना, वही सुबह उठो, वही सारा काम करो, वही निकल जाओ, फिर आ जाओ, वही आ जाओ, वही कर लो, तो वो जो वो वाला पैटर्न चल रहा है ना, उससे कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं विद द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पर ये रेड कलर में है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करूँगी कि कहीं ना कहीं थक पक इतने गए हैं ना आपके, अब आप बहुत गंदा वाला
ऐसा सोचने लगे कि अब क्या होगा मेरा. एंड सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है. आई मस्ट से सेवन, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइफ की कमी है या लोगों की कमी है या अवसरों की कमी है, लेकिन आपको वो स्पार्क नहीं मिल रहा है जीवन में, वो किक नहीं मिल रही है जीवन में, वो एग्जैक्ट डिलेमा नहीं मिल रहा है जीवन में जिसको पकड़ के आप कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लोग भाई बोलते रह जाएँ, लोगों का मुँह फटाका फटा रह जाए. आप इसे बहुत सारे लोग कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, कुछ उखाड़ना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं. आप इसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जस्टिस चाहते हैं. आप इसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम चाहते हैं. आप इसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को अब टाटा बाय बाय बोलना चाहते हैं. और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से एक सरदर्दी को झेल रहे हैं एंड फाइनली उस सरदर्दी से बाहर निकल जाना चाहते हैं. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को महसूस कर रही हूँ जो किसी ना किसी चीज़ में ट्रैप है, ठीक है. या आपकी लव लाइफ में आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसकी याद से आप नहीं निकल पा रहे हैं, या पास्ट में कोई पर्टिकुलर पर्सन था और अभी प्रेजेंट लाइफ में कोई है लेकिन दोनों से ही नहीं बन रही है. पास्ट वाला जा चुका है, प्रेजेंट वाले के साथ अच्छी एनर्जीज नहीं है, या फिर करियर के अंदर उतना नहीं मिल रहा जितना चाहते हैं, या कोई बेफिजूल में फंसा रहा है, या बहुत सारे अवसर होने के बाद भी वो अवसर नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं. सो बेसिकली यू गाइज आर इन अ ट्रैप्ड सिचुएशन वेयर बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आप सोचने पर मजबूर हो रखे हैं कि भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे जीवन में एक सुकून क्यों नहीं है, मेरे जीवन में एक आज़ादी क्यों नहीं है. तो अब मुझे बताइए ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई. अगर आपसे हुई है, अगर आपसे मैच हुई है तो ही इस रीडिंग को आगे देखिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है. अगर आपसे रेजोनेट हो गई है तो आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका निकट भविष्य क्या गुल खिलाने वाला है. लेट्स सी, बिकॉज टॉपिक्स कैन रिपीट बट एनर्जी कांट, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ आपकी प्रेजेंट एनर्जीज के बारे में बताने की, ताकि आप इस चीज़ की एनर्जी को समझ सकें, इस चीज़ को पिक कर सकें कि भाई आपकी रीडिंग है या नहीं. न्यू विजन, कॉन्शियसनेस, लेटिंग गो, फाइटिंग. एक कार्ड और निकालना चाहिए हमें, द आइसोलेशन. अब क्या होता है ना, यही चीज़ बहुत बुरी होती है और वही चीज़ होने वाली है, लेकिन उस चीज़ के होने में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट छुपा हुआ है. इसलिए बहुत बार अगर मैं दुखी होती हूँ ना, पाइल नंबर टू पीपल, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत बार अगर मैं दुखी होती हूँ ना और मुझसे कोई चीज़ लेट गो नहीं हो पा रही होती है, तो मैं फिर जिस भी एनर्जी में हूँ ना, अपने आप को उस एनर्जी में ही छोड़ देती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से ज़िद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे उस चीज़ के अंदर डीप डाइव करके कुछ सीखना है. जैसे फॉर एग्जांपल जब अर्थ फंस गई थी, है ना, कौन सा राक्षस था, देखो अगर आपको पता है नाम मुझे बताना, मुझे नाम राक्षस का याद है लेकिन याद नहीं आ रहा, मतलब मुंह पे नहीं आ रहा. तो जब अर्थ हमारी एक समुद्र के अंदर कहीं फंस गई थी, तो भगवान विष्णु ने ना वराह का अवतार लिया था और वो उस पानी के अंदर डीप डाउन कहीं ना कहीं गए थे, है ना. तो उसी तरीके से अब उनको कहीं ना कहीं पता था कि इस चीज़ में बहुत जोखिम भी है, ये भी है, वो भी है, इतने अंदर तक उस नेगेटिविटी में कैसे जाया जाए, ठीक है. लेकिन वो फिर भी गए, क्यों, क्योंकि उनको पता था वहीं से ही किसी ना किसी तरीके का वो निकलेगा, क्या बोलते हैं उसे, रास्ता निकलेगा. तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए. बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अ कार्ड ऑफ कंडीशनिंग. अगेन, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आप जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो, कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ जो ना निंगले पार पड़ रहा है ना उगले पार पड़ रहा है, एंड इट्स मोर और लेस बस फंस गई हैं आप. यू डोंट हैव एनी अदर वे टू एस्केप योर सेल्फ. ओफो ओफो ओफो, थोड़ा सा सावधान रह लेना भाई. बॉटम ऑफ द डे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स. लेकिन वही वाली बात है ना, अंत भला तो सब भला, लेकिन थोड़ा बच के रह लेना यार, बच के रह लेना.
ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ऑल द सारे साइन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मुझे वर्गो, कैप्रिकॉन्स ज्यादा नजर आ रही हैं। मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का कांच, क्योंकि नेगेटिव आए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वन एवर आई सी दीज कार्ड्स, दिस काइंड ऑफ कार्ड्स, मुझे कुछ कुछ होने लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद ना एक विक्ट्री छुपी हुई है, जो कि देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या पता आज की आप इस रीडिंग को देखें तो आप अपने आगे आने वाले टाइम को प्लान कर सकें, बिकॉज विक्ट्री इज हेयर। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड। तो चलो बताती हूँ भाई, अभी आप लोगों के सामने ना नियर फ्यूचर में आपको किसी ऐसे सांप के बारे में पता लगने वाला है। जी हाँ, किसी ऐसे सांप के बारे में पता लगने वाला है जो आप ही की आस्तीन में काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और वो आपको डस रही है, स्लो पॉइजन दे रहा है या दे रही है, और आप काफ़ी टाइम से उसी की एनर्जी में हो कि हाँ नहीं ये तो सही है, यही तो है जो है, फलाना ढिमकाना। अब जब वो जो तस्वीर होती है वो टूटती है ना, शीशा जो वो मिरर टूटता है, तो बहुत बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, और इंसान ना अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत तड़पा हुआ महसूस करता है। एंड दैट काइंड ऑफ तड़पा हुआ एनर्जी आई एम फीलिंग हेयर फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल। आई एम सीइंग कि आप लोगों को ना कुछ किसी के बारे में ऐसा पता लगने वाला है, जिसको पता करने के बाद यू गाइज विल फील वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर मैंने इतना एतबार किया, इसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, मतलब ये डिजर्व करती थी ऐसा, ये डिजर्व करता था ऐसा। This could be your mom, dad, your siblings, your relatives, your friends, your husband, wife, partner, बच्चे, anyone, और कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो ये कलयुग चल रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबके सब सती सावित्रे हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि कौन कब बदल जाए, पलट जाए, पैसे के पीछे, चीज़ों के पीछे कभी पता नहीं लगता। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड़ दिखता है ना, वहाँ में मक्खियाँ आके चिपक जाती हैं, तो बस वही वाली बात है। अब क्या है ना, मैं बातें बहुत स्ट्रेट बोल देती हूँ तो लोगों को चुप जाती हैं, इसलिए लोग कमेंट में आके बेफिजूल की बातें करते हैं, बट ये रियलिटी है जो मैं बोल रही हूँ। और वही चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है माई ब्यूटिफुल पीपल, कि आपको कुछ ऐसा अभी हाल फिलहाल पता लगने वाला है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जो पता लगने के बाद यू गाइज विल फील लॉट्स ऑफ ट्रिगरिंग पेन। आपको बहुत डिसअपॉइंटेड फील होगा, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, अच्छा नहीं लग रहा, बट है जो है। एंड यू गाइज विल फील फाइटिंग विद योर ओन थॉट्स, कहीं ना कहीं आपका दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, और आपको ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है ये, मतलब दिस एक्चुअली आई डिजर्व इन माई लाइफ, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। एंड यू गाइज विल फील आइसोलेटेड, आप हो सकता है कुछ टाइम के लिए कहीं दूर चले जाएं लोगों से, कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से दरकिनारा कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए थोड़े से ऐसे आइसोलेट हो जाएं दैट आई डोंट वांट टू मीट विद एनीवन और स्पेसिफिकली किसी से भी। तो कोई धोखा या कोई रियलिटी आपके सामने ऐसी आने वाली है जिससे आपका कोई गुरूर है, या आपका कोई घमंड है, या आपकी कोई सद्भावना है किसी को लेके, या कोई ऐसी इमेज है कांच की जो वो पटाक से टूटने वाली है। आपको बहुत बुरा लगने वाला है, आपको बहुत सर दर्द होने वाला है, ठीक है। पहली चीज़ तो आप लोग आइसोलेटेड होंगे और फाइट करेंगे। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड विद द हैंग्ड मैन। भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी पाइल नंबर टू को देख रहे हैं, बेफिजूल का इधर उधर पैसा खर्च मत कर देना, इधर उधर कुछ इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप चाहते हुए भी कहीं पर ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा भी तो एक लंबे अवसर के बाद, एक लंबे समय के बाद। हैंग्ड मैन का कार्ड है, ऐसे भी नहीं आया ना, आया ये ऐसे है, तो क्या बोल सकते हैं। इसीलिए तो पहली चीज़ किसी की असलियत, दूसरा आइसोलेशन, तीसरा फालतू का कहीं पैसा फंसा देना जिसकी वजह से हैंग्ड फील करना, सर में दर्द हो जाना, और बहुत ही ज़्यादा जला जला सा। जब किसी को दुख या दर्द मिलता है, जो किसी का हार्ट ब्रेक होता है ना, तो मत पूछो, बहुत गंदा वाला पेन होता है, बहुत गंदा वाला। आप में से आई एम सो श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो बहुत जला जला सा महसूस होता है, लिटरली अंदर से जला जला फील होता है। ऐसा लगता है कि उफ यार, मतलब कोई धरती समा जाए, मैं उसमें घुस जाऊँ, या ये समय निकल जाए जल्दी से। सो इट विल बी अ वेरी हार्ट टेकिंग मोमेंट,
और ये होने वाला है कमिंग 11 days. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जब भी आपके साथ होगा ना, 11 दिन ऐसा होने वाला है और फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, बैक टू द बेसिक. लाइक जैसे होता है ना कि बंदा बाउंस बैक करने के लिए प्रिपेयर है, ऐसा कुछ. अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, चलो ठीक है ये सब चीज़ें नेगेटिव आ गई, आई एम रियली सॉरी टू से ऑल दीज थिंग्स. मैं ये नहीं बोलूँगी कि रविश था, क्योंकि है जो है. नाउ अब जब ऐसा होता है और इंसान जब दोबारा से बाउंस बैक करता है तो वो किस एनर्जी में आता है, चलो अब मैं आपको वो बताती हूँ. द वर्ल्ड, द वेरी फर्स्ट थिंग वर्ल्ड, दूसरा लेट गो करना, तीसरा कॉन्शियसली अपने आप को स्टेबल करना है, न्यू विजन. मुझे आप ऐसे बहुत सारे लोग किसी नई जगह पर जाकर बसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कोई नया घर ले रहे हैं या कोई नया फ्लैट ले रहे हैं या किराए से कहीं इधर से उधर सेटल हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, या कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई जॉब छोड़ने वाले हैं. ठीक है, सो आई एम सीइंग आप में से कुछ लोगों का भाई अब्रॉड जाने आने का भी सिस्टम बैठ सकता है, उस चीज़ की वजह से भी आप थोड़ा सा अच्छा फील कर सकते हो. एक न्यू विजन आपकी लाइफ में आने वाला है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर फील करेंगे, एंड आप कॉन्शियसली अपने आप को बोल देंगे कि बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए. तो एक स्थान परिवर्तन, बिहेव का परिवर्तन, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस प्लस लोकेशन चेंजेस आई एम सीइंग हियर. And this will happen because of this particular person or this particular thing. किसी particular की वजह से ऐसा होने वाला है. उफ यार, लेकिन देखो हो अच्छे के लिए रहा है, क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके जीवन से ना ऐसे घटिया किस्म के narcissist लोग हट जाए, हिल जाए. Magician का कार्ड है हमारे पास, the card of Usha. ठीक है, द कार्ड नंबर 1 जिसे हम बोलते हैं. अब 1 नंबर सिग्निफिकेंटली मुझे यहाँ पर एनर्जी शो कर रहा है प्रथम की. ठीक है, प्रथम एनर्जी. अब उषा की जो एनर्जी होती है, मैजिशियन की जो एनर्जी होती है, वो होती है कि इंसान अगर चाहे ठान ले तो वो खुद क्रिएट कर सकता है. एंड इन दिस इंडियन सेक्रेट टैरो डेक, इन दिस ओरेकल डेक, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि परमात्मा कहीं ना कहीं आपको नियर फ्यूचर में ये झटका देके बताना चाहते हैं कि मैंने देख तेरे को बड़ा सिखाया, लेकिन तू सीखा नहीं या तू सीखी नहीं है. अब सीख ले बेटा, अब भी नहीं सीखेगी या सीखेगा तो आगे चल के फिर से धोखा खाएगा. ठीक है, तो परमात्मा कुछ सिखाना चाहते हैं. दिस कार्ड डोंट वॉन्ट्स टू कम, मेरे हाथ से छूटा था. एंड एडवाइजेस फॉर यू इज लेट योर इनर फायर वार्म यू नॉट बर्न यू. अब देखो कितना सटीक कार्ड निकला, इसलिए मैंने बोला था वो कार्ड था नहीं आप लोगों के लिए, कि आपके अंतर मन की जो आग है ना, जो ज्वाला धधक रही है, वो आपको ना जलाए, वो आपके जीवन को रोशन जरूर करे लेकिन वो आपको ना जलाए. ठीक है, तो अपने अंदर की जो एनर्जीज है ना उनको पॉजिटिविटी में ही तब्दील करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना. ये नहीं कि अपने आप को आप परेशान कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, ऐसा मत करना. एंड परमात्मा की तरफ से मैसेज, सरेंडर. जब कुछ समझ ना आए तो परमात्मा पे छोड़ दो. सॉरी, मुझे माफ करना. तो जब कुछ समझ ना आए तो परमात्मा पे छोड़ दो, सरेंडर का कार्ड है. क्योंकि परमात्मा पे नहीं छोड़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा. और देखो जीवन तो जीना है, एटलीस्ट जीवन तो जीना है. क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आपको पता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही नहीं बनती है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स तभी बनती है, कोई भी इंसान क्वीन ऑफ सोर्ड्स तभी बनता है जब उसके अंदर एक ज्वाला धधक रही होती है. या जैसे वो होता है ना लोहा, लोहा कैसे बनता है ना, तप तप के ठक 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 लोहार बजाता ही रहता है, उसको बजाता ही रहता है तब जा करके. तो पिट पिट आ करके इतने झटके झेल के जो इंसान खड़ा होता है ना उसको कोई तोड़ नहीं सकता. सो सरेंडर योर सेल्फ कमिंग 11 days. इस रीडिंग को देखने के कमिंग 11 days के अंदर अंदर ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं, तो अपने आप को सही रखिएगा. फालतू का पैसा इधर उधर खर्च ना करें. किसी की असलियत पता लगती है ना तो उसके साथ गाली गलौज करने की बजाय आप थोड़ा सा उसको साइड करें, आइसोलेट हो जाएं कुछ टाइम के लिए, डजेंट मैटर. क्योंकि जब आप निकलेंगे तो एक न्यू विजन के साथ निकलेंगे, एक न्यू आप निकलेंगे, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ. ओके, so like this video, subscribe to this channel, and for any kind of personal reading you guys can mail me. You can also be connected with me like 24/7 with the help of instagram ka link maine description mein dal diya hai. Aur jaldi milenge ek aur new reading mein. Tab tak ke liye apne aap se pyar karna bhai please, aur jitna ho sake utna khud ko khush rakhne ki koshish karna. Theek hai, to jaldi milenge, apna dhyan rakhe, love you. सबको बहुत सारा वाला प्यार.